वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने अपलोड किया था सॉलिड स्टेट, जो कि है क्लास 12 का चैप्टर, और उसके बारे में हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया। शायद मेरे हिसाब से फोर पार्ट्स, यानी लास्ट जो है वो पार्ट फोर्थ है, जिसके अंदर कंप्लीट सॉलिड स्टेट जो है वो हमारा डिस्कस हो गया था। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा क्लास 11th का। जैसे मैंने बताया था आपको, एक वीक जो है क्लास 11th की, एक वीक जो है क्लास 12th की। पिछले वीक हमारा क्लास 12th में हो गया, अब 11th का स्टार्ट करेंगे। 11th का जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जो है आपका थर्ड चैप्टर, ठीक है। यानी कि हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर। सबसे मेन चीज जो है वो मैं आपको बता दूं, देखिए केमिस्ट्री का जो सी है, केमिस्ट्री स्टार्ट होती है सी से। सी जो है पीरियोडिक टेबल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और वो है कार्बन। कार्बन कहां से मिलता है हमें, यानी कार्बन के बारे में हमें जानकारी कहां से मिली, पीरियोडिक प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो मतलब पीरियोडिक टेबल से। तो मतलब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल आखिरकार है क्या, और पीरियोडिक टेबल हमें याद करनी ही पड़ेगी। देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सी ट्रिक्स बनाई हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल को पढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ। मैंने जो अपनी पिछली वीडियो सॉलिड स्टेट के अंदर डिस्कशन किया था चैप्टर का, उसके बाद में अब से मैं हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि स्कूलिंग जो बच्चे कर रहे हैं, जिनके बोर्ड्स के एग्जाम हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं वो क्वेश्चंस, उनको मैं डिस्कस करूंगी। लेकिन उनको जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। एंड तक बने रहिए मेरे साथ, साथ ही साथ आपको पीरियोडिक टेबल जो है वो भी अच्छे से याद हो जाएगी। तो क्लास 11th का हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम आज जो स्टडी करेंगे वो है ट्रिक्स, किसके लिए, पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए। ऐसा आप लोगों ने YouTube पे बहुत सी वीडियोस के अंदर देखा होगा कि आपको जो है बहुत सी ट्रिक्स मिलती है, बहुत सी ट्रिक्स आपको हर एक टीचर प्रोवाइड करवाते हैं पीरियोडिक टेबल के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितनी भी देखी है वो कुछ ना कुछ ट्रिकी है, लेकिन अगर आप मेरी टिप्स या फिर मेरी ट्रिक्स जो देखेंगे पीरियोडिक टेबल की, आई एम श्योर आप कहेंगे इट इज वेरी इजी, बहुत इजी है याद करने में, एक बार आप उसे पढ़ लेंगे तो भी आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ये था पहला इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता चुकी हूँ, सॉलिड स्टेट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो होगा वीडियो के एंड में, तब तक आपको मेरे साथ बने रहना होगा। एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगी, मुझे अमित आचार्य जो है उनका मुझे कमेंट आया कि मैम प्लीज मूल कॉन्सेप्ट पे जो है आप प्लीज एक वीडियो बनाए। तो मैं जो है आपको अमित पूरी प्रॉमिस करती हूँ, वीडियो के बाद यानी क्लास 11th का जो हमारा ये चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, ये ओवर हो जाए उसके बाद मैं प्रॉमिस मैं मूल कॉन्सेप्ट पे एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद ही हम क्लास 12th का कोई भी चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर ट्रिक्स, एंड कैसे याद करें हम उन ट्रिक्स को, या फिर यूं कहें कि कैसे समझें हम पीरियोडिक टेबल के लिए उस ट्रिक्स को। तो लेट्स स्टार्ट। सबको पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ब्लॉक्स होते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक, ठीक है। यानी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे S ब्लॉक से। देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, पीरियोडिक टेबल को याद करने का सबसे बड़ा रूल ये है कि पीरियोडिक टेबल जितनी पॉसिबल हो सके उतनी अपने हाथ से बनाइए। अगर आपको एक बार याद होगी तो उसे अपने हाथ से रफ नोटबुक में बनाइए, दूसरी बार याद हो जाए तो फिर से बनाइए। जब तक आपको पूरे कंप्लीट तरीके से पीरियोडिक टेबल याद नहीं होती है, तब तक उसे एक रफ नोटबुक में अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। आपको एक बार अच्छे से पीरियोडिक टेबल याद हो जाए, फिर उसको अपने हाथ से उसका एटॉमिक नंबर लिखकर, मास नंबर इतना ज्यादा कोई रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आपको याद हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन अगर मास नंबर आपको याद नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है। एटॉमिक नंबर जो है आपको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एटॉमिक नंबर और उस एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पोजिशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कोशिश करिए जितना हो सके आप अपनी नोटबुक में, केमिस्ट्री की जो नोटबुक है जिसमें आप नोट्स बना रहे हो, उसके अंदर अपने हाथ से बनी हुई पीरियोडिक टेबल ही लगाएं। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं पीरियोडिक टेबल के। पहला है ये, देखिए ये मेरी बहुत टाइम पहले की खुद से अपने हाथ से बनाई हुई, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इसमें मैस क्रिएट कर रखा है मैंने, कहीं कुछ किया कर रखा है, कहीं कुछ
शॉर्ट फॉर्म्स लिख रखी हैं और कहीं कुछ बना रखा है. मतलब ये है कि मैंने अपनी नोटबुक के अंदर खुद इसको बनाया. यू कैन हैव अ लुक एट इट. मैंने इसको पेस्ट किया हुआ है, खुद अपने हाथ से बनाया हुआ था और मैंने इसको पेस्ट किया है. और देख सकते हैं आप, मैंने एलिमेंट्स को उनकी जो है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है उनको अलग कर रखा है. ये आपको पता है मेटलॉइड्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बना रखा है. तो आप इसको बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाएगी एक बार आपको याद हो जाए. देखिए यहाँ पे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स इस तरीके से मैंने लिख रखा है ताकि मुझे जो है याद रहे कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं, कौन से मेटलॉइड्स हैं. एक तो ऑप्शन है आपके पास में ये, दूसरा ऑप्शन है आपके पास में इस तरीके की कोई टेबल. देखिए ये जो है ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी. कोई भी शॉप से आप जाकर कहें पीरियोडिक टेबल की जो है हमें लिस्ट दे दीजिए या फिर पीरियोडिक टेबल दे दीजिए हमें, तो वो आपको इजीली मिल जाएगी, 5 या फिर 10 रुपए में आसानी से मिल जाती है. ये मार्केट से अवेलेबल की गई मेरी पीरियोडिक टेबल है. इसके अंदर आपको ये देखिए सब कुछ समझाया हुआ है. जैसे आयरन को एज एन एग्जाम्पल लिया है, ये यहाँ पे जो शो किया गया है ये इसका एटॉमिक नंबर, ये इसका जो है एटॉमिक मास है, और ये है यहाँ पे सिंबल कि आयरन को Fe से डिनोट करते हैं, इसका नेम है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको टेबल के अंदर अवेलेबल होती है. पूरी टेबल के अंदर अच्छे से आपको हर चीज जो है प्रोवाइडेड होती है कि यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी आएगी. ठीक है, ये एस ब्लॉक हो गया हमारे पास में, ये हमारे पास में पी ब्लॉक हो गया, ये डी ब्लॉक हो गया, और नीचे जो है यहाँ पे एफ ब्लॉक शो किया गया. ठीक है, तो इस तरीके से आपको मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाएगी. चलिए अब हम याद करते हैं कुछ ट्रिक्स हमें कैसे पढ़नी होती है पीरियोडिक टेबल को, उसके लिए ट्रिक्स. देखिए सबसे पहले एस ब्लॉक के अंदर आपको एक बात बता दूं, एस ब्लॉक या फिर पी ब्लॉक डी ब्लॉक में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पुराने टाइम में ओल्ड ग्रुप नंबर्स जो थे वो थे 1, 1A, 2A, 3B, 4B. लेकिन अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब बनी तो मॉडर्न ग्रुप नंबर्स जो है वो थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये आपको रिप्रेजेंट करने होंगे, अच्छे से आपको ये ध्यान रखना है. चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ए ग्रुप जिनको एल्कली मेटल्स भी कहा जाता है. इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन चैप्टर की स्टार्टिंग में करेंगे, अभी हम आज सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स याद करेंगे कैसे याद करना है. सबसे पहला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड लास्ट वाला है फ्रेंशियम. ठीक है, तो इसको याद करने के लिए ये देखिए हेलीना, हेलीना ये पूरा एक नाम हो गया, हेलीना, हेलीना की रब से फरियाद. देखिए ये पूरा एक नाम हो गया हेलीना, हेलीना नेम नाम हो गया किसी लड़की का, हेलीना की रब से फरियाद. ओके, इसमें देखिए सेकंड ए जो आता है हमारे पास में, इसमें सबसे पहले एलिमेंट आता है बेरिलियम, फिर आता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, उसके बाद में आता है स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम. देखिए एलिमेंट्स के नाम आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब देखिए बीई बेटा, एम जी मांगे, सी ए कार सुंदर, एस आर और फिर है ये बी ए यानी बाप राजी. बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी. आई थिंक ये बहुत ज्यादा इजी है मेरे हिसाब से, मैंने इसको बिल्कुल इजीएस्ट फॉर्म के अंदर तैयार करने की कोशिश की है. हेलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी. अब आइए सबसे पहले आते हैं हम डी ब्लॉक पे. डी ब्लॉक में देखिए इसमें थर्ड भी फोर्थ भी से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन आजकल 3, 4, 5, 6, 7, 8 के अकॉर्डिंग ग्रुप नंबर को डिवाइड किया जाता है. सबको पता होगा कि ग्रुप जो है टोटल 18 होते हैं और पीरियड जो है वो 7 होते हैं. आई थिंक सबको पता होगा. अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स. ये हम डिस्कस जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब करेंगे कि इसको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक क्यों कहा जाता है, ये सब हम उसमें डिस्कस करेंगे. अब देखिए स्कैंडियम, स्कैंडियम सबसे पहला एलिमेंट है और देखिए स्कैंडियम जो है कौन से पीरियड पे इंक्लूड होता है. स्कैंडियम इंक्लूड होता है पीरियड नंबर 4 पे, फोर्थ पीरियड पे स्कैंडियम इंक्लूड होता है. अब देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. अब इसको याद करने की सबसे सिंपल फॉर्म, देखिए इसके लिए अगर हम कुछ ट्रिक्स बनाने बैठे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसे याद करने के लिए. इसे सिर्फ और सिर्फ सीधा याद करिए. देखिए एस स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम, इन तीनों का हो गया सक्तीव, इन तीनों का क्या हो गया सक्तीव. अब देखिए क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है, तो ये हो गया क्रमण, बन रहा है इसी के नाम से बन रहा है क्रमण. और इसके बाद में आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये बन गया फेगोनी,
फेकोनी और उसके बाद में कॉपर और जिंक बन गया कूजन, ठीक है, यानी सक्तीव क्रमण फेकोनी कूजन, सतीव क्रमण फेकोनी कूजन, ये बन गया इसके लिए। बहुत इजी है ये, जो जो एलिमेंट्स हैं बिल्कुल उसी तरीके से याद हो गया, सतीव क्रमण फेकोनी कूजन, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट हमारे पास में पीरियड फाइव की बात। देखिए इसको मैंने इसके बराबर इसे लिखा, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स ये ट्रिक्स लिखी इस वजह से ये इस वाले पीरियड के बराबर आ गया, लेकिन ये इट्रियम वाला जो ग्रुप है, इट्रियम वाला जो पीरियड है, ये पीरियड नंबर जो है हमारा है पीरियड नंबर फाइव, ठीक है, पीरियड नंबर सिक्स नहीं है ये। देखिए सबसे पहला है इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, उसके बाद में है मोलिब्डेनम, उसके बाद में है टेक्नीशियम, रुथेनियम, उसके बाद में है रोडियम, उसके बाद में है पैलेडियम, उसके बाद में है सिल्वर, उसके बाद में है कैडमियम, ठीक है। इनकी देखिए बहुत सिंपल है ये वाला, बिल्कुल आपको ध्यान से देखनी है, यारी जरा निभा, मौत तक रुके रहना पड़े तो। अब देखिए जो ब्रैकेट्स में मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं ये है हेल्पिंग, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब जैसे होते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से है कि ये हेल्प कर रहे हैं, इनका इस ट्रिक से कोई लेना देना नहीं है, लाइन कंप्लीट करने के इनको हेल्पिंग के लिए मैंने जोड़ रखा है, ओके। तो यारी जरा निभा, मौत तक रुके रहना पड़े तो, आग एजी आग में कूदना, ओके। फिर से देखिए, यारी यानी कि वाई, जरा निभा एनबी, मौत एनओ, तक टीसी, रुके आर यू रहना आर एच, पड़े आग ए जी कूदना सी डी, ये थी इसके पीरियड नंबर फाइव की ट्रिक। नेक्स्ट आता है पीरियड नंबर सिक्स, पीरियड नंबर सिक्स जो है वो स्टार्ट होता है लेंथेनम, उसके बाद में आता है हेफनियम, उसके बाद में टेंटेलम, उसके बाद में डब्ल्यू जो है वो है टंगस्टन, आर ई है रेनियम, ओ एस जो है ऑस्मियम, आई आर जो है इरिडियम, पीटी जो है वो आपको पता ही हो गया ऑब्वियस बात है प्लेटिनम, एयू जो है गोल्ड, और एच जी जो है वो है मर्करी। अब देखिए इसका है ला हफ्ता, ला हफ्ता, एच एफ और टी ए दोनों बन गया हफ्ता, ला हफ्ता, डब्ल्यू हो गया वरना, आर ई रे उधर इधर पिटाई, पीटी और होगी, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, ये हो गई हमारी पीरियड नंबर सिक्स की ट्रिक। देखिए बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखे इसको याद रखना है, बाकी बहुत इजी है। अब देखिए आप एक ही चीज यहाँ नोटिस करेंगे, मैंने ऑरेंज कलर से जो डिनोट किया है ये इसके क्या है एटॉमिक नंबर है, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57, उसके बाद में हेफनियम का 72, क्यों, क्योंकि इनके बीच में आते हैं लेंथ, इनके बीच में क्या आते हैं लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स जो है एफ ब्लॉक के अंदर, ये देखिए ये रहे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीरियम से, सीरियम देखिए इनके नाम थोड़े से क्या है ट्रिकी है, याद रखने की कोशिश करेगा, सीरियम, पेरासोडियम, नियोडियम, प्रोमेथियम, सिनेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, ये क्या है डाइस्प्रोसियम, थोड़ा सा याद रखिएगा डाइस्प्रोसियम, होल्मियम, अरबियम, थ्यूलियम, इट्रबियम और उसके बाद में लिथेनियम, ठीक है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा अच्छे से याद करना पड़ेगा आपको। अब देखिए ये क्या है, सीरियम का होता है सीई, शिव पर नंदी का ब्रैकेट में है, इट इज यूज फॉर हेल्पिंग यू, ओके, शिव पर नंदी का प्रेम समाया यू गॉड जी डी गॉड नेम, तब डिनाय डी वाई हो गया यहाँ डिनाय होकर, होकर एच ओ और ई आर मिल गया होकर, होकर कहा तुम अब लुटे। देखिए शिव पर नंदी का प्रेम समाया यूं गॉड ने तब डिनाई होकर कहा तुम अब लुटे, ये है हमारे एफ ब्लॉक के फर्स्ट जो है पीरियड की ट्रिक। फर्स्ट पीरियड का मतलब क्या है जो सिक्स्थ के अंदर इंक्लूड हो रहा है। अब देखिए सेवन्थ के अंदर जो इंक्लूड होता है वो है, सबसे पहला है थोरियम, प्रोटेक्टियम, यूरेनियम, नेक्टूनियम, प्लूटोनियम, एमरेंशियम, एमरीशियम, इमरीशियम क्यूरियम, उसके बाद में है बर्केलियम, उसके बाद में है कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम, उसके बाद में है आइंस्टीनियम, फर्मियम,
मेंडेलवियम और उसके बाद में है नोबेलियम और लास्ट जो है हमारा लॉरेंशियम. इसकी ट्रिक देखिए, तांगे पे उन पर, टीएच यानी तांगे पे उन पर जो है हेल्प के लिए यूज किया गया है. नजर पड़ी आसमा सिमटा, सी एम सिमटा, बिजली कड़की, ईएस और एफएम जो है मिला, ईएफ ईएस और एसएम जो है, ईएस का हो गया एहसास, एहसान, सॉरी इट्स नॉट एहसास इट्स एहसान, ध्यान रखिएगा, एहसान फरामोश, एहसान फरामोश, मदनो MDNO मिल गया, मडनो, ये किसका नाम है, मडनो लायर. यानी कि तांगे पे उन पर नजर पड़ी आसमा सिमटा बिजली कड़की एहसान फरामोश मदनो लायर. ये जो है आपकी बहुत सिंपल ट्रिक्स मैंने बनाई हैं, बहुत अच्छे से ट्राई की हैं इनको, आपको याद भी हो जाएंगी, ये मेरा वादा है आपसे. एक बार आप पढ़ेंगे और पढ़ते ही आपको याद हो जाएंगी, देख लीजिएगा. अब देखिए नेक्स्ट हम करते हैं, एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, अब हम एस ब्लॉक हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, अब हम करेंगे पी ब्लॉक. पी ब्लॉक बहुत सिंपल ट्रिक्स है, बहुत ज्यादा सिंपल ट्रिक्स है, ठीक है. पी ब्लॉक जो है स्टार्ट होता है ग्रुप नंबर 13 या फिर थर्ड ए से, ठीक है. तो ये है सबसे पहले बोरोन एल्यूमिनियम, बोरोन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और उसके बाद में लास्ट में जो है एलिमेंट्स, अभी थोड़े से नेमिंग इनकी हुई नहीं है, सेवन्थ पीरियड के अंदर जो है उनकी नेमिंग हुई नहीं है, थोड़े से अनडिस्कवर्ड है, अच्छे से नेमिंग नहीं है, जब होगी तो मैं आपको उनको इंक्लूड करवा दूंगी इसमें. तो बोरोन के लिए आ गया बाबा अली गए इंडिया, टी एल यानी थैला लेकर, बाबा अली गए इंडिया थैला लेकर, ये हो गया थर्ड ए का. फिर है कार्बन सिलिकन, ये है जर्मेनियम, टिन उसके बाद में है लेड, ठीक है. तो इसका है कहे सीता जी, जीई हो गया जी, सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, बहुत सिंपल है ये. पी ब्लॉक की ट्रिक्स जो है इतनी ज्यादा सिंपल है कि आप बिल्कुल देखने से याद करेंगे. नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी उसके बाद में है बिस्मिथ, इसका है ना पीओ ऐसे, एस बी और बी आई दोनों हो गए सभी, दोनों के अंदर देखिए बी कॉमन है तो क्या हो गया सभी, एस बी आई को हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखते हैं ना सभी, मैसेज लैंग्वेजेस के अंदर सभी यूज करते हैं, जिस वजह से तो हो गया ना पी ओ ऐसे सभी. अब देखिए जो नेक्स्ट है 16th ग्रुप जो है उसमें है ऑक्सीजन, ये है सल्फर, सिलेनियम, ये है टेल्यूरियम और ये है पोलोनियम. अब देखिए इसके अंदर क्या है, ओल्ड स्टाइल से, ओल्ड स्टाइल से, और ये हो गया टीईपीओ, टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपो का मतलब क्या होता है, कॉपी करना, तो कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो इसलिए ओल्ड स्टाइल से टीपो. आजकल ओल्ड पुराने सॉन्ग जो है उनका भी वापस से रीमेक करने लगे हैं, तो इट्स लाइक ओल्ड स्टाइल से टीपो. नेक्स्ट है 17th ग्रुप जो है, ये देखिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमिन आयोडीन और ये है एस्टेटिन, इसमें क्या है फिर कल बाहर आई अंटी, एफ का हो गया फिर कल बाहर, बी आर आई अंटी, एटी. नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट 18th ग्रुप जो है जिसको हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, जिसमें नोबल गैसेस हैं, वो बहुत सिंपल है एक्चुअली, सभी को याद होंगी, वो रट लेते हैं सब इसको, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनन रेडन, ठीक है. तो ये मेरे हिसाब से इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं थी, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनन रेडन, ये अगर आप अच्छे से देखें भी तो भी आपको इजिली याद हो जाएंगे. तो ये थी मेरी ट्रिक्स नॉर्मल, सिर्फ और सिर्फ जो है 5 मिनट में, ये आपको मैक्सिमम 5 मिनट लेगी, और 5 मिनट भी क्यों, पढ़ने के लिए 5 मिनट में आप पढ़ेंगे इसे, पढ़ते ही आपको याद हो जाएंगे. ये लीजिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एस ब्लॉक का, ये पी ब्लॉक का और ये एफ ब्लॉक का, जल्दी से जल्दी इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए. अब नेक्स्ट है पी ब्लॉक का, सॉरी पी ब्लॉक यहां है, मैंने पीछे गलती से बोल दिया था, ये पी ब्लॉक का, जल्दी से जल्दी उनके जो है ले लीजिए स्क्रीनशॉट. अब देखिए जो भी 11th स्टैंडर्ड में हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ना, मैं सच में उनसे कहूंगी एक बार आप ये ट्रिक अप्लाई करके देखिए, इन सबको याद करिए और खुद बिना देखे टेबल जो है अपनी केमिस्ट्री की नोट्स की नोटबुक जो आप क्लास में लेकर जाते हैं उस पर बनाकर देखिए, टीचर को दिखाइए कि मैम मैंने बनाई है. सच बताऊं तो टीचर भी बहुत खुश हो जाएगा कि मेरे स्टूडेंट एटलीस्ट इतनी मेहनत कर रहे हैं केमिस्ट्री पे. ओके, ये बनाइए. अब बात आती है हमारी
10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट के अंदर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे गारंटी करती हूँ कि ये प्रॉपरली आपसे जो है एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे बिना कोई भी प्रॉब्लम के. इनको अच्छे से याद कर लीजिए. चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं ऐसे जो हमसे पूछे जा सकते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर. स्टार्टिंग करते हैं अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उनके बीच का डिफरेंस. उनके बीच का डिफरेंस जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो बहुत बार पूछा जाता है, या यूं कहें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे यूं कह सकते हैं इजीली पूछा जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आता है एनाइसोट्रॉपी. एनाइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी. एनाइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी क्या होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो पूछे जाते हैं आपसे. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए और इनकी डेफिनेशंस मेरे हिसाब से आपको अच्छे से याद होनी चाहिए. उसके बाद में आगे जब हम देखें तो आगे हमें पूछे जाते हैं, यू कह सकते हैं कि एक नंबर के अंदर आपके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दैट इज लैटिस क्या होते हैं एंड यूनिट सेल क्या होते हैं. लैटिस और यूनिट सेल्स क्या होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बहुत टाइम पूछा जाता है कि लैटिस और यूनिट सेल की डेफिनेशन एक एक नंबर में पूछे जाएंगे, कोई डाउट नहीं है. ये क्वेश्चन फोर्थ नंबर वाला जो है ये है 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल. ये मैं कहूंगी कि जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. किसके लिए, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये आ गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन. उसके बाद में देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पैकिंग एफिशियंसी. पैकिंग एफिशियंसी. पैकिंग एफिशियंसी आपसे सिंपल क्यूबिक की भी पूछी जा सकती है, सिंपल क्यूबिक की भी पूछी जा सकती है आपसे. बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट की भी पूछी जा सकती है. एफसीसी आपसे जो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट की भी पूछी जा सकती है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें आपसे कंप्लीट डेरिवेशन करवाएंगे कि किसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है और कैसे होगी, वो आपको बिल्कुल जैसे मैंने डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करवाया था बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसको लिखना है. नेक्स्ट आता है टेट्राहेड्रल वॉइड. टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड. टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं ये क्वेश्चन आपसे एक नंबर में 110% पूछा जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. अच्छे से ये आपको याद कर लेनी है इसकी डेफिनेशन की क्या होती है. फिर है हमारे पास में डेंसिटी कैलकुलेशन का न्यूमेरिकल. डेंसिटी कैलकुलेशन का न्यूमेरिकल. ये न्यूमेरिकल जो है यूं कह सकते हैं कि 110% आता है और जिसके लिए हमने फॉर्मूला लिया था डी इक्वल्स टू जेड एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए. ये फॉर्मूला हमने याद किया था. इसमें कोई भी एक यूनिट आपको कैलकुलेट करने के लिए कह सकते हैं. आपको इसे कैलकुलेट इस फॉर्मूले को याद रखना है बहुत अच्छे से कि ये क्या है. उसके बाद में देखिए डिफेक्ट्स आते हैं हमारे. डिफेक्ट्स के अंदर पूछा जाता है फ्रेंकल. फ्रेंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट जो है वो ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो रिपीट में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फ्रेंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट जो है रिपीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट आता है हमारे पास में मेटल एक्सिस डिफेक्ट, या फिर यूं कहें मेटल एक्सिस डिफेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास में कंडक्टर और इंसुलेटर्स. इन दोनों के बीच का इंसुलेटर्स LATORS इंसुलेटर्स के बीच का डिफरेंस कि ये क्या है. कंडक्टर और जो है इंसुलेटर क्यों कहलाए जाते हैं. कंडक्टर और इंसुलेटर का बीच का डिफरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट जो है हमारा 10th क्वेश्चन बचता है उसमें पूछा जाता है आपसे पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक. डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं या फिर क्या होते हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क के अंदर.
तो ये है 10 के 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लग रहा है यूजफुल है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सच में। अगर आप इन्हें याद कर सकते हैं तो प्लीज इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, बिकॉज इन क्वेश्चंस में से गारंटी देती हूँ 5 क्वेश्चन जो है वो जरूर आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में पैकिंग एफिशिएंसी का और न्यूमेरिकल का जो है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने देखी ट्रिक्स किसके लिए, पीरियोडिक टेबल के लिए, और हमने क्या है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी किए किसके, सॉलिड स्टेट के। तो इन वीडियोस को प्लीज आप अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए कि क्या समझाया जा रहा है आपको। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और प्लीज मेरी वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि सबको इनकी हेल्प मिल सके। ये मेरे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरी वीडियो शेयर ज्यादा हो रही है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है कि जिनको हेल्प मिल रही है, क्योंकि मुझे अभी कमेंट सेक्शन के अंदर इतनी मैसेजेस मिल रहे हैं कि थैंक यू सो मच मैम, आप हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो जो जिनको हेल्प मिल रही है मुझे उस चीज से खुशी मिलती है। तो प्लीज जितना हो सके उतना इसे शेयर कीजिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, केमिस्ट्री जो है बिल्कुल हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, जरूरत है इसे अपनी नॉर्मल लाइफ से को रिलेट करने की, और बस आसानी से ही समझ आ जाती है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।